पता है मैं कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया, कभी कोई रिलेशनशिप भी नहीं चलाया, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे कोई तुम जैसी लड़की मिल जाए। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, किसको सच्चा मानूँ और किसको झूठा? जिंदगी का एक उसूल समझ ले, चूहा बनकर खिलाओ सोने का निवाला, और घर से निकलते ही शेर बन जाए। तुम जितना ज्यादा मुश्किल बनने की कोशिश करोगी मैं उतना तुम्हारे पीछे आऊंगा। किसी शहजादे का रूप धारे आसपास मेरे घूमता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो कितना गलीज है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने घटिया हो सकते हो। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे कहीं और ले चले। तुम्हें डर किस बात का है, वो मेरा घर है ना, कोई गैर तो नहीं है। क्या पता तुम्हारी बहन मुझे छुप छुप कर पसंद करती और ये सारे ड्रामेबाजी कर रही हो। फिर अपनी बीवी को टेलर के पास भेज के क्या क्या किया उसे तुम्हारे साथ? छोड़े। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे साथ ज्यादा चलाके मत करना। फिर मैं इतनी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई आपके लिए, तो फिर छोड़ दे मुझे। मेरी बीवी एक घटिया औरत है। मैं घटिया औरत नहीं। जिंदगी उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, मैंने बुलाया होता तो मेरे हाथ पे ये निशान ना होते। तुम्हारी वजह से मेरा बाप मर गया और तुम्हारी बीवी की वजह से मेरी माँ। चुप करो। मुझे चुप मत कराना, मुझे चुप कराने वाली मर गई। अब गुजरने के लिए छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। औरों की राहों में बिखरने के लिए मजबूरी कहती है जिन्हें के चुप। साईं जी चले जाएं, फिर ऊपर आ जाऊंगी मैं। अरे तुम तो इस तरह शर्मा रही हो जैसे वो तुम्हारा दूल्हा है। मैं तो ऐसा भूल के भी नहीं सोच सकती। अम्मी मेरा उसके साथ रिश्ता हो भी नहीं सकता। तुम जानती हो वो फ्लैट किसका था जहाँ मैं तुम्हें लेकर गया था? शिराज का फ्लैट था। आप लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। दिमाग मत खराब करो मेरा। अपने शोहर के होते हुए तुमसे शादी करने के ख्वाब देखने लगी थी। तुम्हें और दूसरे मर्दों में कोई फर्क नहीं है, भले एक बेटी हो या तीन, कमीना मर्द हमेशा कमीना ही रहता है। आज़र जिंदा है, मेरी उससे बात होती है। नहीं रामीन नहीं, वो नुमैर है जो आज़र बनके तुम्हें ईमेल करता है। चुप रहती।